तो राम राम जी, स्वागत आप सभी का मोहित सोनिया व्लॉग्स में। और आज पहाड़ों में हमारा तीसरा दिन और इतनी बढ़िया के कार्यक्रम मॉर्निंग हुई है कि मजा आ गया देख कर। ये देखो, इधर चांद दिखाई दे रहा है और उधर सूरज देवता ने निकलने की तैयारी कर ली है, सूर्य देवता ने। और सवेरे का नज़ारा देखो, पहाड़ों के पीछे से बिल्कुल निकलने को तैयार है सूर्य देवता। और पूरे हिमाचल ने, पूरी धरती ने या बर्फ की एक मोटी सी चादर ओढ़ रखी है और सारे ये पेड़ पूड़ सब। और पीछे तो देखो यार, सनलाइट आती हुई, बिल्कुल कितना बढ़िया नज़ारा है। मेरा न्यूज़ कर रहा है, मैं सर आड़े खड़े आ रहा हूँ और इसने देख दर रहे हो किस तरीके से सन ऊपर आएगा, सूर्य देवता जी ऐसे प्रकट होंगे। आई एम सो लक्की कि मैं ये देख पा रहा हूँ। लो जी, सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं और बहुत ही तेज धूप के साथ, सवेरे सवेरे 7 बजे का टाइम और इतनी तेज धूप निकली है, मजा आ गया भाई। बर्फबारी के बाद तो या जब इतना ज्यादा हो रहा हो तो धूप इतनी सुहावे है ना, न्यूज़ कर रहा हो बस धूप तो ऊपर कुछ को नहीं। कल जितना बर्फ में मजा आ रहा था, आज उतना ज्यादा मजा। ओहो, ये देखो ये जो पेड़ है ये किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। अगर नीचे तो इनका छांव है, बर्फ है, और ऊपर को इनका ऊपर या सनलाइट पड़न लाग रही है। गजब, कितने गजब दिख रहे हैं जमा। मैंने मारिया और आपने मारिया बालकनी दिखा दूं, इसमें ना इतनी बर्फ थी, मैंने कम से कम 5 बार तो यह साफ करवा ली। अरे देखो कुर्सी, देखो कुर्सियों के ऊपर भी कितनी बर्फ जम रही है। कम से कम 2-2 फुट बर्फ पड़ी होगी। ये देखो इसको ऊपर भी मैंने कितनी कितनी तो नीचे गिर ली। और सोनिया भी खड़ी हो गई है ऐसे, मैंने ठाइया का इतना बढ़िया नजारा मिस ना कर दे सोनिया। मेरी वजह से सोनिया को आज सुबह का ये सनराइज वाला नजारा देखने को मिला है। तो नहीं उठना थोड़ी है, कंबल में पड़े पड़े उठ लिया उठ लिया, बाहर निकट गया तो मैंने देखा था ना जुराब तो नकड़े गिर रही है। तो मॉर्निंग टाइम हो गया है और मॉर्निंग टाइम है टी टाइम। और सोनिया बना रही है एक बहुत ही स्वादिष्ट चाय जिसको पी के मजा आ जाएगा कड़क एकदम। मैंने डाल ली है सब चीजें इसमें। वाह जी वाह, बहुत ही जबरदस्त नजारा है। धूप निकल आई है और बर्फ पिघलनी भी शुरू हो गई है। अब बर्फ पिघलेगी धीरे धीरे। अरे आपने एक और नजारा दिखाता हूँ, देखो ये पेड़िया में बर्फ तो है, ये तो चलो कल भी देख ली थी, कम से कम 7-8 बार साफ भी हो चुकी है। ये देखो किस तरीके का बर्फ जम रही है यार। ओहो भाई, बहुत फिसला है मेरी चप्पल तो, इसलिए ऊपर जाने का मेरे को तो रिस्क लेना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फिसल रही है। ऊपर तो चला जाऊंगा मैं, लेकिन नीचे आना मुश्किल हो जाएगा इन चप्पला में। और हमारी गाड़ी खड़ी है उस पर तभी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है ऊपर, और जेसीबी भी आ गई है यहाँ से साफ करने के लिए। अभी साफ करके गई है ताकि रास्ते खुल जाए, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि इतनी बर्फ पड़ी है कि पानी जम गया है, और भाई कोशिश कर रहा है पानी को पिघलाने की। ऐसा ही है ना, जम गया है क्या पूरा? और मैं चप्पल पहन के आ गया हूँ मरने के लिए ठंड में। क्या हुआ, पानी जम गया? अब कहाँ को जाए? ऊपर जैसा हो गया ऊपर, ये देखो शीशा जम गया बिल्कुल भाई। हाँ, जहाँ पे पाइप बिछी है वहां से खाली करना पड़ेगा। और ये पानी डाल के इस टंकी को थोड़ा सा कोशिश करा जा रहा है। वो देखो वो वाली कैसे टंकी के ऊपर हो गया बिल्कुल, पानी नहीं आ रहा कल से। अब थोड़ा सा इसको पिघलाया जा रहा है, शीशा जम गया बिल्कुल ऊपर, और मेरे भी पैरों में ठंड जम गई है, मेरे को नीचे जाना चाहिए। तो भाई लग रहा है भाई पूरा जोर शोर तक बर्फ हटान सब कुछ जमा दिया है बर्फ ने, अब क्लियर तो करना पड़ेगा। अपने आप तो पिघलने में इसको कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे,
अगर खुद पिघलने की इसका इंतजार करें, वेट करें। ये देखो जैसे ये पाइप थी, इसके ऊपर पूरा बर्फ हो गया था, जिसकी वजह से ये पानी पूरा जम गया था, आ ही नहीं रहा था। और आपको शायद आवाज आ रही हो, नीचे लगी हुई है जेसीबी रोड क्लियर करने के लिए। अब ये रोड क्लियर करे जा रहे हैं ताकि आसानी से गाड़ियां यहाँ से आ सके जा सके। ज़्यादातर इसको वही किया जाता है कि साफ जल्दी किया जाता है, क्योंकि यहाँ से मिलिट्री का आना जाना रहता है, तो इसको ज़्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता। तो कंटिन्यू यहाँ पे जेसीबी अपना काम करने में लगी रहती है। और वो देखो हमारी गाड़ियाँ, सो गाइस दिन की शुरुआत हुई है हमारी बहुत ही बुरी खबर के साथ। जो पाइपलाइंस है वो सारी जम गई है। और ये जो हमारे असिस्टेंट कुक थे, ये पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम इतनी ऊपर छत पे चढ़ के आए, मेरी सांस फूल गई है। और ये मैडम यहाँ अपनी विटामिन डी ले रही है यार, इतनी तेज धूप निकली है ना, मैं इसके बताऊंगा। और हम सनस्क्रीन लगा के आए हैं, क्योंकि जो पहाड़ों की धूप है वो बहुत ही खतरनाक होती है। और गाइज ये व्यू देखो आप, फिर मैं टंकी दिखाऊंगी आपको। देखो। वो देखो मोहित क्या कर रहा है। गाइज ये मोहित के हाथ में आप लोग देख सकते हो, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये शीशा है, ये बर्फ है, बर्फ है ये जो इसमें जम गई है। ये बिल्कुल कांच लग रहा है मोहित। हाँ सच में। और मैं कोशिश करूंगी कि फोन को बिना टंकी में गिराए आपको टंकी दिखा सकूं, पर मोहित को मुझ पे बिल्कुल यकीन नहीं है। तोड़ दिया ही, बट गाइस अंदर जाने की जरूरत नहीं, देखो थोड़ा सा ये रहा, बाकी तो तोड़ दिया। और बाकी मोहित ने लिया होगा रिकॉर्ड। ये देखो पूरा इसके ऊपर ऐसे जम रहा है, ये देखो पतला लेयर था। हाँ, पतली पतली लेयर होती है, और इस हाँ सड़क के ऊपर भी जम जाती है, दिखाई नहीं देती। हाँ, तो हमारे लिए आज सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हम जाएंगे कैसे, क्योंकि ऐसी लेयर पूरे रोड पे होगी। ये देखो ये भैया फुल स्पीड में लगे हुए हैं, बहुत ही मेहनती हैं ये। ये हमारी तरह नहीं है कि उठते ही आ गए वीडियो बनाने। सो गाइज हम ये सारी सीढ़ियां चढ़ के आ गए हैं अपनी धन्नो के पास। हाँ, और आओ आपको दिखाते हैं, देखो कितनी कितनी बर्फ जम रही है। यह है इसकी छत, देखो ये है इसकी छत, इस छत तो देखो एक ब्लॉक ऊपर तक बर्फ जम रही है। अरे देखो उस ऊपर के देखो टायर दिखा, दीपिका देख, यस टायर भी हो रहे हैं जमा। अरे बाबा इसने खोल लिया, खुल गई है गाड़ी। हाँ। अरे देखो इधर आओ, अरे वो वाला खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, इस साइड आ जाओ। गाइज रोड पे भी बहुत स्नो गिरी हुई है, इसका हैंडल तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो गाइज कहाँ से पकड़ेगा हैंडल? एक मिनट रुको, ये रहा इसका हैंडल। ओ आर यू रेडी? खोल दो। मैं नहीं रेडी हूँ, एक मिनट रुको। हट इस खोल देते हैं हम इसको अभी। वाव अब देखो गाइस लेयर, अब आपको लेयरिंग समझ आएगी। ये देखो तीन एंगल है, तीन एंगल, ये तो साइड में तीन है एंगल एंगल। ओ ये देख तू, ये देखो गाइस हमारी राजस्थान की गाड़ी पूरी स्नो में है, स्नो वाइट बन गई है, शीशा खुल गया। हाँ शीशा खुल गया है, और यार न्यू लग गया, जिस तरह मैंने किए हो भीतर देखी हो जाए है ना। हाँ। इग्लू 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 ना। तो गाइस हमारी गाड़ी का इग्लू बन गया है, दूसरी साइड से भी खोलते हैं इसको। चलो और गाइस हमें आगे जाना है, तो हमारी गाड़ी को धूप लगाना बहुत जरूरी है। ये वाला गेट खेल मोहित, कौन सा गेट खोले? पीछे वाला, पीछे वाला जरा बताइए, पीछे वाला मैडम। आगे वाला खोल, आगे वाला खोल। हाँ 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 साफ करो पहले इसको। ओहो सास के घर का सुत्ती जम रही है बर्फ।
अरे भाई सोनिया से खुल नहीं रहा। चलिए खोल ले जा। हाँ 1 2 3 मुझे लगा एक पल के लिए गाड़ी नहीं खुल रही। गाड़ी का ये पीछे वाला भी खोल दे। इग्लू बन गया है। हाँ अभी रुक जा। है हाँ मोहित शीशा देख रहे हैं अपना। गाइस शीशा देखो। और अब हम इसको ऐसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हो गई है स्टार्ट। तो क्या हमें वाइपर चला के देखने चाहिए क्या? ना ना पहले ना, ना, ना। उतारेंगे थोड़ी सी वाइपर टूट अच्छा। जाएंगे तो काम नहीं करेंगे जैसा कि। आ जाओ पहले बर्फ उतारते हैं। खोल दो इसको थोड़ा सा। ऑन रहने दे गाड़ी। गाड़ी ऑन रहने दे। गाड़ी को ऑन रहने दो। थोड़ी सी गर्म होगी बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। तो दीपिका और सोनिया उतारेंगे इसकी बर्फ। हम रेडी हैं भाई रेडी हैं। ओहो दीपिका लागी है देखो। चलो 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 उतारो शीशे के ऊपर से उतारो भाई। शीशा दिखाओ पहले। दीपिका तू साइड जा और सोनिया इस साइड जाएगी। साइड जा पर ये शीशा खोलने का तो ऑप्शन। वो बंद कर दियो खिड़की। कितनी लग रही है मैं इस पे कुछ लिख दूं क्या? खिड़की बंद कर दियो दीपिका। मैं इस पे कुछ लिख दूं। वो बटन है ये लिख दिया हमने सोनिया। चलो 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 शीशे के ऊपर से हटाओ। खिड़की बंद कर दे। मैंने बोला वाइपर ले चलते हैं। खिड़की बंद कर दे। खिड़की बंद कर दे तू। हाँ अब उतारो। उतारो उतारो उतारो। हाथ जम गए हैं। ये नहीं उतरेगी ऐसे ऐसे ही उतारनी पड़ेगी भाई। ये नहीं उतार रहे हाँ। दीपिका जल्दी उतार। कैमरा पकड़ लेते तू उतार। जल्दी लेके आ ढूंढ के। ले मैं उतारता हूँ आ जाओ जी। मोर्चा संभाल लिया है मोहित ने हमारे तो हाथ ठिर गए जमा। कौन दिए जाए इसमें हाथ। अरे जय लेने जा रहा है वाइपर। मोहित क्यों इसमें उंगलियां फंसा फंसा के दिखा रहे है तू है। मोहित को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही आज। वाइपर आ गया भाई वाइपर। दीपिका जल्दी ले आओ मैडम जल्दी। हाँ ये नीचे दीपिका को देखना एक बार। मैं नीचे स्नो फेंक रही हूँ। ऐसे मत फेंक। ओहो हाथ जम गए भाई बिल्कुल दिखा। हाँ शीशे पे ना मार दिए दीपिका। दीपिका एक बार दिखा लेयर दिखा। एक लेयर। वाओ ये देखो लेयर। ये दिखा इतनी ऊंची लेयर। शीशे पे नहीं मारेंगे। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी ताकि यह थोड़ी गर्म हो जाए थोड़ी देर। ये देखो भाई ये यहाँ से दिखा कितनी मोटी लेयर है। दिख रही है दिखाने की जरूरत ही नहीं है। उतार देते हैं यहाँ से शुरू करते हैं अपनी ताकि ऊपर वाली अपने आप गिर जाए। नहीं गिरेगी ये जमी हुई है मोहित बिल्कुल। मोहित खुद पड़ेगा। मोहित देखते हैं तू कितनी देर में ये काम निपटा देगा। अच्छा अरे भाई धूप इतनी तेज निकड़ रही है। अपने जुगर निकड़ा कर ना गर्मिया में जून में उसी धूप निकड़ रही है भाई। दो हाथों में जूम नहीं हो सकता। मोहित को लग रहा है कि मैं जूम करूं लेकिन मेरे दोनों हाथों में फोन है। स्नोमैन हाँ अब जिस तरह यो कनाडा में रहने लग रहा है ना। मोहित ये देख मजा आ रहा है दीपिका ऐसे उतारते हुए। भाई जो भाई ईब जुड़े हैं ना अपने साथ इस वीडियो में उनती बता दूं कि यार सोनिया जो साफ कर रही है वो हमारी गाड़ी है। कदे कुछ और समझे हाँ, गाड़ी है हमारी। गाड़ी है हमारी। इस गाड़ी ने है ना यार राजस्थान की गाड़ी है। इसने पहली बार बर्फ का स्वाद चखा है। है ना मोहित तो बिल्कुल। ये देख ऐसे उछाल दूं ये। लेके आ पूरा बड़ा लेके आई उठा के ले पर मैं खिलाऊंगा ले जल्दी ले। ना 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 वन ले ले ना ना ले ले दीपिका ले ले ना ले ले दीपिका ले।
बर्थडे केक की तरह इसको इसका मुंह मारता है। सच में यार ऐसे ही लग रहा है जैसे बर्थडे पेस्ट्री टूट टूट के आ रही है कट कट के। तो जेसीबी अपनी शुरू हो गई है रोड साफ करने के लिए, ऊपर से लेके आ रही है सारी बर्फ को जेसीबी। तो बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, अरे भाई भी शुरू हो गया है। देखो रोड साफ करने बहुत जरूरी है वरना कैसे जा पाएंगे हम। ये देखिए काम पूरी जोर शोर से है, काम पे लग गया है और अब हम निकल पाएंगे शायद, है ना मोहित? बिल्कुल अब तो निकलना ही पड़ेगा ना, अब तो सही टाइम है निकलने का। और पीछे सपोर्ट के लिए इसने भाई ने ये नीचे घिसरा रखा है ताकि एकदम से ना जाए। मेरे पति को हमारा करा हुआ पसंद नहीं आया, मैं कह रहा मैं भी खाता हूँ। अब जिम्मेवारी जय ने ली है, जिम्मेदारी जय भाई। और राजस्थान नहीं मारती, बोला कि तामने तारनी को नहीं आई बर्फ, मैं तार की दिखाऊंगा। हाँ। तामने बर्फ देखी है, मैं तो सारी बर्फ तारी मन तो सारी जिंदगी राजस्थान में, राजस्थान में सही में। ये देखो एक साइड जमा फ्लैट कर दी है, तो कम से कम दो दो फुट जो बर्फ थी वहां हमने उतार दी है। ये तो अपने आप उतर जाएगी, हाँ ये अपने आप उतर जाएगी, ये तो अपने आप उतर जाएगी। थैली खुली हुई थी, हाँ वैसे दूध हम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने सोचा है कि हमारे पास बहुत पानी की बॉटल्स हो गई तो इसे स्टोर कर लेंगे और रास्ते में हम स्ट्रॉबेरी शेक और ये दोनों नहीं पियेंगे आज भी, है ना? आज भी ये नहीं पियेंगे, ये पियेंगे क्यों नहीं? तूने मना किया था गुड्डू, सिर्फ हम पियेंगे। और गाइस जो भी यहाँ घूमने आ रहा है घर से दूध दाद ले आना भरपूर मात्रा में, यहाँ कुछ खराब नहीं होगा। दूध दही जो मर्जी ले आना, खाना बहुत महंगा है और तो भाई अपना लेके आना स्टॉक में सामान, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में कई बार खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता, अपने आप बना के खाने का तो मजा है ना पहाड़ों में। हाँ वो बढ़िया है यार, खत्म भी होता है दो दिन। हाँ बिना दही था, दही कौन था आड़ है क्योंकि गाड़ी नहीं आई थी ना, ऐसा ही होता है। और गाइस हमारी बॉटल ऑलमोस्ट भर गई है तो सोनिया और मेरी पूरे रास्ते मौज होने वाली है। हम पियेंगे स्ट्रॉबेरी शेक। मोहित के करने जा आज? करना के था, आजकल आपने हरियाणा में देखे रखे है ये कोई 15 सिल्ली ला रहा है, कोई 20 सिल्ली ला रहा है, बोला हम गोते मारेंगे न्यू मारेंगे क्या है तर दिखावे है। कोई कमेंट में न्यू कह दिया कि बहुत गर्म पानी है, गर्म पानी में तो कोई भी ना ले, फिर वो सिल्ली लाए न्यू लाए। देखो भाई ना आड़ा गर्म पानी है ना उरत के नाम है ठंडा पानी है, आड़ा है सिर्फ बर्फ, प्योर बर्फ। और जो टेम्परेचर है ना वो है -3 डिग्री, और उस -3 डिग्री में ये जितने भी सिल्ली ठाए अंडे हैं उन सारे तक करके दिखा दें भाई, सिल्ली साली लेन का विशा ऐसा सिस्टम तुम्हारे पे मना को नहीं। हाँ ये बापा बस ये बाल्टी भर के और आड़े एक कांड कर दे, चलो शुरू करते हैं। बोर के करेगा यो तो कर लिया लाडले कच पापा की तरह न्यू, वाह वाह न्यू सपाटे बिठाने पड़ा लाडले न्यू। अच्छा पेटाड़े भी कर सके हैं, ये भी कर सके हैं फ्रंट रोल, वाह बस मोहित हमें पता चल गया तुझे सब आता। हम हो गए हाँ रेडी, यो देखो मैं आपने दिखा दूं। मोहित जी दिखाना जरा क्या कर रहे हो आप? सनस्क्रीन का है भाई, डॉक्टर सोनिया लगाने की लगा भाई सच्चाई है यार, सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए हमेशा हमेशा, विदाउट सनस्क्रीन कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ सब पैक हो गया, सब पैक है, सब पैक है दीपिका। हाँ वो ले आती हूँ मैं, एक मिनट रुको। तो जी हमारी तैयारी हो गई है जाने की, फाइनली अपना सफर 15 दिन बाद खत्म होता है आज घर पहुँचने के बाद। जय उम्मीद है ना हम पहुँच जाओगे है, धुन नहीं है भाई। चलो बोतल लेनी है लपर्स तो मैं ले, सामान थोड़ा ज्यादा हो गया है इस वजह से हम भैया की थोड़ी हेल्प ले लेंगे, 15 दिन में हो जाए इतना सामान। चलें दीपिका, लगभग बर्फ पिघलना शुरू हो गई है क्योंकि आज धूप तेज निकल रही है फिलहाल, और
ये चाल पड़े हैं अपना अपना सामान लेके ऊपर। तो भाई हमारी गाड़ी के पीछे ज्यादा बर्फ है तो लिकड़न में थोड़ी परेशानी हो सका है, इस वजह से भैया इसने क्लीन करन लाग रहे हैं। और जैसी भी रेगुलर लाग रही है, देख लो आपने कितनी बार देख लिया, इब तक लगातार इसका पांचवा छठा चक्कर है क्योंकि यह आइस जो है ब्लैक आइस बन चुकी है। वैसे इतनी नहीं है दीपिका, अभी निकल जाएंगे हम आज, उम्मीद करते हैं। और ये देख सकते हो भाई थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैक आइस जमा हो गई है और गाड़ी चढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी, काफी कोशिश कर रहे हैं। नहीं जा पा रही, दोबारा ट्राई किया दूसरे गियर में काफी स्पीड के साथ और क्या गलती कर रहा है भाई ये? तो कौन से में चलनी है, पहले में? पहले में आराम से एक रेस में जाने, पहले गियर में नहीं, एक रेस में जाने को जाने दी। अच्छा, थोड़ी टायर में हवा कम करनी पड़ेगी। तो भाई ने पूरी कोशिश की लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, आखिरी में जाके वो रुक गया है और हमसे पहले जाएंगे ये भाई। एक बार में चढ़ा देंगे 100% पक्की गारंटी, हवा कम कर ले अपनी गाड़ी की थोड़ी सी बस। तो भाई थोड़ी सी हवा कम करने लग रहा है मोहित, क्योंकि अभी अभी एक लोकल आया था भाई, कह रहा था इसकी 25-25 कर लो हवा तभी जाया जाएगा, ऐसे नहीं जा पाएंगे। बस मोहित भाइयों ने कर दी है शुरुआत जाने की हमसे पहले, तो देखते हैं क्या रहता है। ओ जाएगी जाएगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी अब आराम से। इनकी स्लाइड हुई वो गई स्लाइड वहां पे, पीछे हो जा दीपिका, जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, चली जाएगी चली जाएगी। ए मोड़ लो, पीछे जाने दे, ब्रेक मार रहा है, चढ़ जाएगी आराम से, स्किट मार रहा है, अरे आराम से चढ़ जाएगी। ये तो जाएगी, मोहित के पास है। तो भैया हवा अपन कम कर दी है, स्कॉर्पियो वाले भाई तो लिकड़ गए, लगभग न्यू लागे हैं और हम अपनी हवा कम कर ले और एक एक पराठा खा के फिर चल लांगे ताकि हमारे मोहित को एनर्जी मिलती रहे। हाँ तो जी एक बार ट्राई करी है थोड़ी सी गाड़ी सरकाने की मोहित ने, एक बार हला लूगी देख ले इसने, क्योंकि थोड़ी आवाज भी कम करनी है, आवाज भी ज्यादा लग रही है जय मुझे तो दोनों टायरों में, और कम कर लो हैं। ओ भाई मुश्किल काम है गाना, के बना बर्फ का तो ऐसा काम हो है, आड़ के जो लोकल लोग हैं उनने तो एक्सपीरियंस है, अपने जिसे जो कदे कदे आवे हैं उनने थोड़ा सा कम है। तो कुछ यह फ्रंट व्हील ड्राइव है इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनकी स्कॉर्पियो चली गई थी एक बार में ही। ये भाई तो निकल जाएगा, एक स्पीड में तो जा सकते हैं, वो ऑल्टो दिख रही है ना जो पीछे, वो भाई का बीच में ब्रेक लगाने पड़ गए, उसको वापस जाना पड़ा वहां तक, देखते हैं दोबारा आता है तो। एक स्पीड में जाएगी मोहित है, ना 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 अभी मत करियो जब तक ये क्लियर ना हो जाए ना, निकल जाएगा भाई अब इस बार तो। ए जाएगा 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 है ना, गया नाश्ता, आ रहे हैं आ गए भैया, ए गया नाश्ता बन गया। तो जी हमने पहले डिसाइड कराया कि चलो एनर्जी भर के फिर ही चलेंगे, सर में लगी क्या इसके?
पराठे खा के और फिर जाएंगे हम, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो धूप में लगाते हैं अपनी टेबल और यहाँ करते हैं इंजॉय अपने खाने का। और मौसम अब तो जमा साफ हो गया है, और मैं देखो शामी सारे जितने आखिरी तक जितने भी बर्फ की है पहाड़ दिखे ना, पहाड़ा ही तो चोटी दिखे, सारी बर्फ तो ढक रही है, मजा आ गया है ना। बिल्कुल एक बात तो भाई, उरा के जितने भी डॉग मिले ना हमने, सारे इतने फ्रेंडली हैं, जमानो इतने प्यारे, और देखो इनके ऊपर फर्क कितना ज्यादा हुआ है, और कितना मजा आ रहा है इसने बर्फ में लेट के। देख तो दीदी का पैर हटाइए। ओए पुची, पुची तू बड़ा पुची है क्या हमारा? कलावती करके दिखा इधर, दे पैर दे, तेरा पैर दे, दे पैर दे। बढ़िया था कल जो हेलो कर रहा था ना।